दोस्तों, आईपीएल साल 2022 का सीजन शुरू होने में अब काफ़ी कम समय रह गया है। मेगा ऑक्शन भी काफ़ी नज़दीक आ रहा है और दोस्तों आज से शुरू होने जा रहा है इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला। सभी फैंस एक बार फिर से काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। अहमदाबाद भी दोस्तों हमें बहुत जल्दी अपना ऑफिशियल नाम रिलीज़ करता हुआ देखने को मिलेगा। मेगा ऑक्शन की सारी टॉप ट्रेंडिंग अपडेट्स हम देते ही आ रहे हैं। खैर दोस्तों, आज बात करेंगे हम केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में। टीम केकेआर की दिन भर में काफ़ी सारी अपडेट्स बाहर निकल के आ रही है। आज की वीडियो में मैं आपको टीम केकेआर की टॉप ट्रेंडिंग अपडेट्स बताने वाला हूं जो दिन भर में बाहर निकल के आई थी। टारगेट प्लेयर के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों, यहां कुछ प्लेयर्स आउट हुए हैं, कुछ इन हुए हैं, तो लास्ट तक वीडियो को आपको देखना ज़रूर पड़ेगा ही। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो में ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। दोस्तों, अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, मैं आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन फैंटेसी ऐप माय 11 सर्कल के बारे में बताना चाहूंगा, जिसके अंदर बड़े बड़े ब्रांडेड मिसोडे जैसे वीएस लक्ष्मण, सौरभ गांगुली और अजिंक्य रहाणे का ट्रस्ट मिलता है। इसके अलावा इंडिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज में आपको 1500 रुपये वेलकम बोनस मिलेगा नीचे दिए हुए लिंक से। साथ ही साथ नीचे दिए हुए लिंक से अगर आप अभी ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको 5 गुना आपकी विनिंग का मिलेगा। अगर आप वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हराते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा कैश भी मिलने वाला है। हमारी टीम आज आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, तो देर किस बात की है, डाउनलोड करें नीचे दिए हुए लिंक से माय 11 सर्कल। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मेगा ऑक्शन में काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाली है, जहां दोस्तों आप सभी को बता दें एक शॉकिंग अपडेट्स आप सभी के लिए वीडियो में आगे जरूर हमने रखी है जो केकेआर की तरफ से आई है। आप कमेंट करके जरूर बताओ, क्या आप टीम केकेआर की आईपीएल ऑक्शन स्ट्रेटजीज के ऊपर एक स्पेशल वीडियो देखना चाहोगे? टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट आ रही वेंकटेश अय्यर को लेकर। दोस्तों, वेंकटेश अय्यर की किस्मत काफी लोगों को काफी सही दिख रही थी, बट हो सकता है शायद उनकी किस्मत को थोड़ी नजर लग गई है। दोस्तों, आज इंडिया और वेस्ट इंडीज का मुकाबला होने वाला है, पहली ओडीआई खेली जाएगी, जिसके अंदर दोस्तों न्यूज ये निकल के आई थी कि वेंकटेश अय्यर यहाँ पर ओपन करने वाले हैं ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। बट दोस्तों, रिसेंटली जो यहाँ पर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली थी, जिसके अंदर दोस्तों रोहित शर्मा ने कन्फर्म कर दिया कि वेंकटेश अय्यर ओपन नहीं करेंगे। वो दोस्तों वेंकटेश अय्यर ना ओपन करेंगे, ना ही मिडिल ऑर्डर में आएंगे, बल्कि टीम में ही नहीं होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ईशन किशन ओपन करेंगे और वेंकटेश अय्यर को पहली ओडीआई से तो अभी तक के लिए रेस्ट के यहाँ पर मोड़ पर चुना गया है। दोस्तों, अभी तक ऑफिशियल प्लेइंग 11 तो अभी तक आई नहीं है, बट हमारे रूप के अंदर दोस्तों वेंकटेश अय्यर की आज शायद जगह बन पाए या नहीं बन पाए, आप कमेंट करके जरूर बताओ, क्या वेंकटेश अय्यर को इस जो ये अभी आया है ओडीआई सीरीज वेस्ट इंडीज के खिलाफ, इसमें मौके देने चाहिए या फिर थोड़ा रेस्ट कराना चाहिए? अगली अपडेट निकल के आ रही है रीबाय प्लेयर्स को लेकर। तो यहाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि पैट कमिंस एक बहुत ही अच्छे एसेट रहे हैं टीम केकेआर के लिए, बट क्या हुआ था जब पैट कमिंस नहीं थे, इनकी रिप्लेसमेंट बुलाई गई थी टिम साउथी के तौर पर। तो टिम साउथी जो रिप्लेसमेंट है, काफ़ी लोगों को अच्छी भी लगी थी, काफ़ी लोगों को बुरी लगी थी कि एक्सपीरियंस ओवरऑल पैकेज है टिम साउथी का। बट दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर क्या टिम साउथी वापस कमबैक कर पाएंगे, ये है सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ अभी की। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा रीज़न निकल के है, क्योंकि रिसेंटली केकेआर के कोच भरत अरुण ने कहा था जो भी प्लेयर अभी फॉर्म के अंदर होगा और जो प्लेयर्स अडेप्ट कर पाएगा चेंजेस को, हम उसको लेंगे। तो यहाँ दोस्तों टिम साउथी अभी गजब के फॉर्म के अंदर चल रहे हैं, तो टिम साउथी को केकेआर वापस लेना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, शायद ही और कोई टीम इनको लेने में इंटरेस्टेड हो, बट केकेआर ने तो इंटरेस्ट दिखा दिया है। लास्ट अपडेट निकल के आ रही है टारगेट प्लेयर्स को लेकर। दोस्तों, केकेआर ने ऐसा क्लेम किया है कि आईपीएल इतिहास साल 2022 के मेगा ऑक्शन में यहाँ पर जो टॉप 10 खिलाड़ी होने वाले हैं, उनमें से 3 हमारी टीम में होंगे। अब कैसे होंगे दोस्तों, क्योंकि पैसे बहुत कम हैं, बट देखते हैं कैसे होते हैं। खैर दोस्तों, इसमें से 2 नाम निकल के आ रहे हैं जो पूरी तरह से कैंसिल हो चुके हैं, ये टॉप 10 के अंदर ही नाम होने वाले हैं जो सबसे महंगे होंगे। इन दोनों ही खिलाड़ियों के नाम है कगिसो रबाडा और वनेंदु हसरंगा। तो ये 2 खिलाड़ी हमें केकेआर में देखने को नहीं मिलने वाले हैं। आप कमेंट करके बता सकते हो टारगेट प्लेयर्स की एक स्पेशल वीडियो आप सभी फैंस देखना चाहोगे टीम केकेआर से रिलेटेड या फिर नहीं। दोस्तों, 10% एक्स्ट्रा कैश और 1500 रुपये वेलकम बोनस फ्री में पाने के लिए अभी डाउनलोड करें माय 11 सर्कल। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना।